कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्त विकर्मणि। किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल करार हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। गुलामी का मैल साफ करने के लिए वक्त ने हिंदुस्तान की जमीन को फिरंगियों के खून से नहलाना शुरू कर दिया है। फिरंगी सियासत की सूखी घास में पहली चिंगारी छावनी में बलिया के सिपाही मंगल पांडे ने फेंकी थी। भक से आग लग गई और देखते ही देखते ये आग मेरठ छावनी तक पहुंच गई। काश सिपाही एक महीना और इंतजार कर लेते। मई की जगह जो लड़ाई जून को शुरू हुई होती तो हिंदुस्तान की तारीख ही कुछ और होती। गोरे अंधेरों को काले उजालों ने घेर लिया। मेरठ में छावनी की जमीन पर एक नई सुबह के ख्वाब ने फिरंगियों के खून में कलम डुबोकर हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अपने दस्तखत किए। कानपुर में गंगा का पानी सुर्ख रू हो गया। प्रयाग में त्रिवेणी के माथे पर विजय का लाल तिलक लग गया। तमाम रास्ते दीन दीन और जय बजरंग बली बोलते दिल्ली की तरफ मुड़ गए, जहां उनका बादशाह अपने दिल्ली के दरवाजे पर तारीख की दस्तक का इंतजार कर रहा था। लेकिन ये खबरें अभी मुझ तक नहीं आई थी, क्योंकि उस रात उस गुफा में आजादी के लिए फैसला तो और ही किसी दिन किसी और ही महीने के बारे में हुआ था। सुबह का वक्त था, आलमपना कुछ लिखने में मसरूफ थे कि अचानक एक गुबार उठा। अहमद वैद जी, जिले सुहानी, एक सवा दौड़ा के मालूम तो करवाइए, शोर कैसा है? जी जल्ले सुभानी। शहजादा मिर्जा मुगल हकीम एहसानुल्लाह खान और हयात यार खान, जल्दी बुलाओ। ये हंगामा कैसा? सिपाहियों ने बगावत कर दी जिले सुभानी। किसके सिपाहियों ने? फिरंगियों के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने। अभी बगावत कर दी?
ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अभी तो और वो मुतालबा कर रहे हैं जिले सुभानी कि बाकायदा आप अपनी शाही का ऐलान फरमाएं। इस खादिम की राय तो ये है जिले सुभानी कि आप उन्हें जाकर मिलें और किले से बाहर जाने का हुक्म दें। बागी सिपाहियों ने शहर में फिरंगियों का कत्ले आम शुरू कर दिया है। कत्ले आम? क्या औरतों और बच्चों का भी? जब आग लगती है जिले सुभानी तो ये नहीं सोचती कि किसे जलाए और किसे न जलाए। ये हमारी आग है एहसान उल्लाह खान, इसे मुअज्जब होना चाहिए। हम देखते हैं। मुबारक हैं वो लोग जिन्हें अपने वतन की आबरू का ख्याल है। माँ बदौलत तुम लोगों की जीदारी देखकर बहुत खुश हुए, इसलिए माँ बदौलत ऐलान फरमाते हैं कि तुम लोग हिंदुस्तानी फौज का एक हिस्सा हो। माँ बदौलत आज इस समझौते को खत्म फरमाते हैं जो आ जहानी शाह आलम अव्वल और ईस्ट इंडिया के दरमियान हुआ था और जिसके रूह से कंपनी ने मामलकते हिंद का इंतजामिया संभाल लिया था। हम ऐलान करते हैं कि हमारी हुकूमत में ईस्ट इंडिया का कोई इख्तियार नहीं, इसलिए कोई उन्हें या उनके कारिंदों को लगान या किसी किस्म का महसूल न दें। माँ बदौलत ये फरमान भी जारी करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जल्द अज जल्द हमारे मामलकत से निकल जाएं। तमाम राजगान और नवाबीन के पास फरमाने शाही रवाना कर दिए जाएं कि अपने सिपाही लेकर जल्द से जल्द दिल्ली की तरफ कूच करें ताकि फिरंगियों को हिंदुस्तान से निकालने के मुकद्दस फरीजे में हमारा साथ दे सकें। हिदायत की जाती है कि मीरठ से आने वाले बहादुरों के नाम लिख लिए जाएं ताकि शाही खजाने से उनकी तनख्वाह मुकर्रर की जा सके। एक तरह तो ये खुशी की बात हुई कि जंग आज़ादी शुरू हो गई, लेकिन ये सूरज अपने वक्त से पहले निकल आया, इसीलिए मैं तो दरबारे खास में दीन दीन और जय बजरंग बली के नारे सुनकर डर गया। अल्लाह, इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? न झांसी तैयार है, न लखनऊ, ना नाना जी तैयार हैं, ना तात्या टोपे, तो इस लड़ाई को रास्ता कौन दिखाएगा? सिपाहियों का रहनुमा कौन होगा? और वही हुआ। जंगे आजादी जंगल की आग बनकर फैली और जो गोरा उसकी लपेट में आया वो जल गया। इस आग ने ना अंग्रेज बच्चों को छोड़ा ना औरतों को। सिले सुभानी, फिरंगी औरतें और बच्चे दरबार खास में भाग कर आ गए हैं। हमें देख, हमारी तलवार लाओ। आप लोग घबराए नहीं, आप लोग बंद करिए बेवकूफी। तुम लोग इन बेबस औरतों और बच्चों का पीछा कर रहे हो, इनका खून करना चाहते हो? क्या तुम्हारी रगों में गारत का खून सफेद पड़ चुका है? अगर आलम पना आपने तो कहा। खामोश। ये फिरंगी औरतें और बच्चे हमारी पना में हैं। हमारी लड़ाई फिरंगियों से है, उनकी माओ बेटियों से नहीं है। आज तुमने हमारी जंग आजादी का सर झुका दिया। वापस जाओ, जाओ वापस। हम तुम लोगों से शर्मिंदा हैं, लेकिन तुम हम ना घबराओ क्योंकि तुम हमारी हिफाजत में हो।
احمد بیگ ان کا قیامت عام کا بندوبست کیا جائے. جی ذلے سبحانی. آئی آپ لوگ میرے ساتھ آئیے. بند کر یہ بیلتی خاموش. یہ فرنگی عورتیں اور بچے ہماری پناہ میں ہیں. ہماری لڑائی فرنگیوں سے ہے، ان کی ماں بیٹیوں سے نہیں ہے. آج تم نے ہماری جنگ آزادی کا سر جھکا دیا. واپس جاؤ، جاؤ واپس. شہزادہ مرزا مغل ذلے سبحانی، اتنی رات گیا. بولا. ذلے سبحانی، کیا تم صبح کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ بات ہی کچھ ایسی ہے ذلے سبحانی. کیا بات؟ سپاہیوں کے تیور اچھے نہیں ہیں ذلے سبحانی. وہ لوگ چاہتے کیا ہیں کہ ہم ان بے بس فرنگی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت دے دیں؟ خدا قسم یہ کبھی نہ ہونے دیں گے. میری رائے میں ذلے سبحانی، مرزا مغل، ولیت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے فیصلوں میں دخل دینے لگو. تخلیہ، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں. ذلے سبحانی. عالم پناہ نے اجازت دے دی. ذلے سبحانی نے اجازت دے دی. چلے. ماں بدولت تم لوگوں کے اس نافرمانی پر نہ اس دنیا میں معاف کریں گے نہ اس دنیا میں. ان انگریز عورتوں اور بچوں کا خون بہا کر تم نے تاریخ کے دربار میں ہندوستان کا سر جھکا دیا، ہمارا سر جھکا دیا. آج ہم نہ ماضی سے آنکھ ملا سکتے ہیں نہ مستقبل سے. نہیں چاہیے ہمیں یہ تاج. اس سے بے گناہ عورتوں اور بچوں کے خون کی مہک آ رہی ہے. یا پہنا دو یہ تاج اسی مرزا مغل کو جس نے ہماری طرف سے بے گناہوں کے قتل کا جھوٹا حکم سنایا. دعائی عالم پر دعائی ہے. تمہاری فریاد انہیں زندہ تو نہیں کر سکتے مرزا مغل. دعائی کیوں؟ بادشاہ بننے کے لیے تمہیں مرزا مغل پسند نہ ہو تو مرزا ابو بکر موجود ہے، اور کسی کو بادشاہ بنا لو. ہم آن جہانی ہمایوں کے مقبرے میں منہ چھپا کر پڑے رہیں گے. تو ذلے سبحانی کو ان سپاہیوں پر بھروسہ کرنے کی رائے نہیں دوں گا. تو پھر ہم کس پر بھروسہ کریں؟ ہاں، فرنگیوں کا میرٹھ میں پھر سے جمع ہو رہا ہے ذلے سبحانی. میرٹھ سے دلی کتنی دور ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کا جمع ہو، شاہی لشکر دلی سے نکل کر ان پر حملہ کر دیں. اور کیا کیا ضروری ہے؟ اور خادم کی رائے میں یہ بھی ضروری ہے ذلے سبحانی کہ شاہی لشکر کا ایک سپہ سالار مقرر فرما دیا جائے، کیونکہ بے سردار کی فوج ایسے لگے گی جیسے بے سر کا آدمی اور تبلے بغیر موسیقی. ذلے سبحانی، اور تمہارے خیال میں اس عہدے کے لیے کون مناسب رہے گا؟ سپاہی تو اس عہدے پر خادم کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں ذلے سبحانی. تم کیا چاہتے ہو؟ میں تو وہی چاہتا ہوں جو ذلے سبحانی چاہیں گے. تو یہی صحیح. سپہ سالاری کے لیے ہمارے پاس ایک سے ایک ہیرا موجود ہے، پھر تم ہی کیوں نہیں؟ شاہی لشکر لے کر میرٹھ کی طرف کوچ کرو،
और आगे बढ़ते चले जाओ। इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, फिरंगियों की फौज पटने से पश्चिम की तरफ न बढ़ पाए। मेरी नाकस राय में सिपासालार का यूं लंबी मुद्दत के लिए दिल्ली से बाहर रहना मुनासिब नहीं होगा जिले सुभानी। हकीर की राय में शाहजादा अबू बकर को ही इस मुहिम की सरदारी अता फरमाई जाए, यही ठीक रहेगा। This is the map of the battlefield. जैसे आप देख रहे हैं, British forces और Hindustani forces आमने सामने deployed है। They are facing each other. हमारी force ने कल ये strategic area हासिल करने के लिए यहाँ पे attack किया था। But I am sorry to say, we were outnumbered and we had to retreat back to our positions. Well, that's the point I was making, Colonel. We cannot win them in battlefield. और अगर हम इनको जीतना चाहते हैं तो हमको वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो हमको हिंदुस्तान में यहां तक लाई, and that is divide and rule, gentlemen, divide and rule. Sir, that's all right in politics, but on the battlefield things are different. हिंदुस्तानी मैदान जंग में जब उतरता है तो सर पर कफन बांध कर उतरता है, वो अपनी आजादी के लिए लड़ता है। They are fighting for their independence, sir. That's why we didn't fight them together. हमने उन्हें एक-एक करके जीता। खालपी में रानी लक्ष्मीबाई को घेरा और मार डाला। बटिया के बुर्ज में वाजिद अली शाह पहले से ही कैद। बिठूर का नाना लापता। हमने उन्हें डिवाइड किया और म्यूटनी का कमर तोड़ डाला। But there is only one opposition. That is Red Fort. The fort is not just a fort, sir. It's their dream. It's their inspiration. Inspiration, my foot. Don't forget the history of this country. It's easy to divide them. Very difficult to fight them, sir. हमें ये position hold करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। इस वक्त वो आजादी की लड़ाई में बिल्कुल united है, sir. Well, it's a matter of grave concern, Colonel. Now listen, Madras Regiment का siege train इधर तक आ पहुंचा है। और जब तक वो यहाँ नहीं पहुंचे हमको इस पॉइंट को डिफेंड करना है। इस मोर्चे पर सिंधिया हमारा कोई मदद नहीं कर सकता। That bloody so-called Prince Abu Bakr is fighting like a devil. और अगर मद्रास रेजिमेंट के आने से पहले हमको वहां से रिट्रीट करना पड़ा तो समझो हिंदुस्तान हाथ से गया। लेकिन मद्रास रेजिमेंट दो दिन के बाद आएगा। But these two days are very crucial, sir. Halt! आने दो गार्ड्स। नेवर माइंड हयातियार, हमारे हारने की कोई ताजा खबर? हार की खबर कैसी साहब बहादुर, मैं तो जीत का रास्ता दिखलाने आया हूं। व्हाट? जी जनाब, अबू बकर तो दिन रात शराब के नशे में चूर रहता है और अब तो जीत का नशा भी है। चार पांच दिन से पहले उसके होश में आने का सवाल नहीं। शाही लश्कर बेसरदारा हो रहा है, एक हल्ले की झोंक नहीं सहार सकता। ये मौका हाथ से ना जाने दीजिए साहब बहादुर, ना जाने दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया हयातियार खान, शुक्रिया। तुम जैसे हिंदुस्तानियों की मदद से हम हिंदुस्तान में आया और तुम ही जैसे हिंदुस्तानियों की मदद से हम इंडिया पर रूल करेगा। कैप्टन, शुक्रिया जनाब। Now you see, gentlemen,
Do you agree with me? They are not difficult to divide. Not to worry. Kuch fikar nahi. Attack them at dawn. We shall defeat India with the help of Indians. मोर्चे से कोई खबर आई? आई, जिले सुभानी, हारी हुई फौजी वापस आ गई। हारी हुई? शाहजादा मिर्जा अबू बकर लड़ाई शुरू होने से पहले ही फरार हो गए थे। नतीजे के तौर पर बेसरदारी फौज फिरंगी हमलों की ताब न ला सकी और अच्छा किया तुमने, जो और कहकर रुक गए, क्योंकि इस और के बाद कुछ और कहने की जरूरत नहीं। अल्लाह मेरे वतन में किसी ऐसे शख्स को पैदा कर जो आजादी वतन के मुकद्दस जंग में आम लोगों की रहनुमाई कर सके। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजां से उजड़